हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये लास्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेरीज होगी उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। हम अगला टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडिसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज डेप्रिसिएशन, कि जैसे एक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लैंड को छोड़ के लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जैसे हम इनको यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब हमने इनकी जो है कि इतने सालों के बाद, जैसे 10 ईयर्स के बाद उसकी जो है वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला जो है वो ये है, वी एन दैट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 10 ईयर्स, विच इज इक्वल टू वी जीरो जो है वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग है, डेट के अंदर 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100। तो देखो यहाँ पे क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि वैल्यू जो है कम होती रहती है, तो ये नेगेटिव जो है इसके साथ डिनोट किया जाता है, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स और वी कैन से कन्वर्जन पीरियड। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मशीन की आयु जो है 10 साल है, तो 10 सालों के बाद जो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी वो स्क्रैप वैल्यू होती है। तो अगर तो क्या है कि जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो हर साल डिफरेंट है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है डिफरेंट ईयर्स के लिए अगर डिफरेंट है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, वी एन विच इज इक्वल टू वी जीरो इंटू 1 माइनस आर 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये पहले साल का है, 1 माइनस आर 2 डिवाइडेड बाई 100 तो ये सेकेंड ईयर का है, तो इस तरह से nth ईयर के लिए। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वैल्यू ऑफ द मशीनरी डेप्रिसिएट 11% एनुअली। तो एक मशीनरी है जिसकी डेप्रिसिएशन रेट जो है 11% है, हर साल उसकी वैल्यू 11% से कम हो जाती है। अगर प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में अगर उसकी वर्थ जो है 38,440 है, तो 3 साल पहले हमने उसकी वैल्यू बतानी है। तो वी एन इज गिवन 38,440, आर इज गिवन 11%, एन जो है डेट इज 3 ईयर्स। तो बिगनिंग के अंदर उसकी वैल्यू क्या है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या के फार्मूला लिख लिया, फार्मूले के अंदर देखो वैल्यूज डाल दी हमने, 38,440 इज इक्वल टू वी जीरो इंटू 1 माइनस 11 बाई 100। तो यहाँ पे हमने एलसीएम का जो है लघुत्तम ले लिया, तो ये आ जाता है 100 माइनस 11, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 89 बाई 100 रेज टू पावर 3। और उसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों का जो है लॉग यहाँ पे ले लेना है। तो देखो जब हमने लॉग लिया, यहाँ पे लॉग 38,440 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने लॉग लिया तो ये वाली जो है उसका जो होता है, देखो ये जो फॉर्मेट है ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो लॉग एम प्लस लॉग एन हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है तो log v जीरो प्लस 3, तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इस तरह से लिखते हैं 3 log 89 बाय 100। तो ये m बाय n का फार्मूला है, इसका मतलब होता है log m माइनस log n। अगर मल्टीप्लीकेशन का होता है तो log m प्लस log n, अगर डिवीजन का है तो log m माइनस log n। तो अब हम करेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने log 38,440 इज इक्वल टू log वी जीरो प्लस 3 log ब्रैकेट के अंदर 89 बाय 100, तो ये m बाय n है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर 3 लिख लेंगे, अंदर लिखेंगे log 89 माइनस log 100।
इस तरह से हम इस पूरी इक्वेशन को लिख देंगे। अब हमने लॉग की हेल्प से क्या करना है कि लॉग निकालना है, मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि लॉग को किस तरह से आपने निकालना है। देखो यहाँ पे जैसे हम इसका पहले लॉग निकालेंगे 38440 का, तो इसमें 5 डिजिट है क्योंकि लॉग के अंदर जो है करैक्टरिस्टिक होता है मैंटेसा होता है, तो डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है, डेसिमल के बाद जो होती है वो मैंटेसा है। तो ये 5 डिजिट है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 जो है करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, 4 पॉइंट। तो ये उसके बाद ये 38 को हमने 4 के नीचे फिर उसमें 4 के नीचे देख के ऐड कर देना है, तो लॉग टेबल यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे लॉग टेबल की हेल्प से ये हमारा आ जाएगा 4.5848। तो लॉग V0 तो हमने नहीं अभी निकाल सकते, तो उसी तरह लॉग 89 देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो इसका है कि करैक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, 2-1, और डेसिमल का जो है वो 89 के नीचे हमने लॉग टेबल के नीचे देख लेना है, ये 0.9494 है। उसी तरह लॉग 100 का जो करैक्टरिस्टिक है वो है 2 है, और 100 का जो लॉग है वो है वहां पे ये 0 आता है तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लॉग टेबल की हेल्प से लॉग निकाल लेना है। फिर हमने क्या करना है, ये 4.5848 विच इज इक्वल टू लॉग V0 प्लस 3, और यहाँ पे हमने 2 में से 1.9494 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारी ये वैल्यू जो है माइनस की है इसके आगे में तो देखो जब हमने माइनस 2 के अंदर से 1.9494 माइनस किया तो ये आ जाता है -0506। और उसी तरह हम यहाँ पे जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -0.1518। देखो अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब हम इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, ये आ जाती है 4.7366। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो जो ये लॉग है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे V0, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो देखो यहाँ पे आपने जो है जो ये वाला हिस्सा डेसिमल के बाद का वो एंटी लॉग टेबल के नीचे आपने देखना है, तो ये आ जाता है 5453। तो यहाँ पे देखो ये जो है करैक्टरिस्टिक है, अब हमने क्योंकि जो एंटी लॉग करना है तो ओरिजिनल वैल्यू को लिखना है, तो 4 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो वो 5 है, तो यहाँ पे एंटी लॉग में 5453 आता था, तो क्योंकि यहाँ पे 5 जो है डिजिट होने चाहिए तो इसका मतलब है ये 5430 लगा देना है। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी बिगनिंग के अंदर वो थी 54530। इस तरह से आपने लॉग की सहायता से इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 125,000, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है हमें बताए हुए हैं, बर्थ रेट जो है 5.5% है, डेथ रेट जो है 3.5% है, तो हमने 2 सालों के बाद जो है पॉपुलेशन बतानी है। तो पॉपुलेशन है 125,000, बर्थ रेट है 5.5%, डेथ रेट है 3.5, तो हमने देखना है कि पॉपुलेशन जो बढ़ती है ग्रोथ रेट जो है बर्थ रेट के अंदर से डेथ रेट को माइनस कर देना है, तो ये आ जाता है 2%, और एन जो है हमारा 2 ईयर्स है। तो अब हमने फार्मूला लिख देना है, तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर 125,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस तो 2 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे देखो उसके बाद हमने 100 एलसीएम ब्रैकेट के अंदर 100 एलसीएम ले लो, तो ये 100 प्लस 2 आ जाएगा, इसको हम 102 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, तो रेज टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब है 125,000 × 102 / 100 × 102 / 100। तो देखो ये 2 जीरो इसके साथ कट गए और ये 0 इसके साथ कट गया, फिर उसके बाद आपने 102 × 102 को कैलकुलेटर की सहायता से मल्टीप्लिकेशन निकाल लेनी है, वो आ जाएगी 10,404 / 10, तो उसको 125 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है,
तो ये आ जाता है यहाँ पे बेसिकली जो है 13,05,000। तो 10 से जब हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू जो है 1,30,050 आ जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो ए मैन परचेज द कार फॉर 2 लाख इन द ईयर 98। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 15% है और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 10% है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है डिफर कर रहा है, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है। तो यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि जैसे हमारे पास जो फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को डाल देना है 2 लाख इंटू यहाँ पे 1 - 15/100, क्योंकि पहले साल का जो डेप्रिसिएशन रेट है जो वो है 15, मतलब जो वो है, और दूसरे साल के अंदर वो जो रेट है 10% है। तो यहाँ पे 3 इयर्स के बाद हमने बतानी है उसकी वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे 2 सालों के लिए जो रेट है वो है 10/100, 1 - 10/100। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेके 100 - 15/100 और ये 100 - 10/100, तो ये 85/100 आ जाता है और ये 90/100 आ जाता है। हम इसको 85/100 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.85 और 90/100 को 0.90 भी लिख सकते हैं। तो 2 लाख इंटू 0.85 डेट के अंदर 0.90 रेज टू पावर 2, हमने 2 लाख को 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा आ जाता है 1,70,000। उसके बाद 0.90 का स्क्वेयर लेके उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 137,700। तो 3 सालों के बाद जो पॉपुलेशन है, जो वैल्यू ऑफ द मशीनरी है, वो है 1,37,700।